हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 इंग्लिश, जो कि आपको आज ही प्रोवाइड की गई है, यानी कि 2 अगस्त को। तो सेक्शन ए जो है, हमें पैराग्राफ पढ़कर नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑप्शन वाइज उनके आंसर देने हैं। तो पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अभी काफ़ी वर्कशीट है, 10th की भी है, और आज की जो वर्कशीट टेम्परेरी आती है असेसमेंट को छोड़कर, वो भी अभी अपलोड नहीं है, तो वो भी अपलोड करना है। तो इसलिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखिए, बाकी आप पैराग्राफ को पढ़ लेना। तो फर्स्ट पैराग्राफ सेक्शन ए का जब पढ़ोगे, तो 5 क्वेश्चन है इसके नीचे, जैसे कि आप देख रहे हो ए बी सी डी ई, और साइड में इनके आंसर लिखे हुए हैं, जो ऑप्शन राइट है साइड में लिखे हुए हैं। यहाँ से आप क्या करना, ऑप्शन, ठीक है ना, राइट आंसर लिख लेना ऑप्शन वाले। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी डी ई। अब इसके बाद में सेक्शन बी पर अगर हम चलेंगे, तो सेक्शन बी में हमें फर्स्ट में डायरी एंट्री लिखना है। राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑन फर्स्ट ऑनलाइन क्लास। फर्स्ट ऑनलाइन क्लास पर डायरी एंट्री लिखना है, नीचे आंसर लिखा हुआ है, आप ऐसे उतार लेना। फिर जो ये लाइन है 4th नंबर की, ही यूज टू टॉक, इसके आगे 4th लाइन से यहाँ से स्टार्ट करना है, ही यूज टू टॉक, नीचे तक एक्स वाई जेड पर अपना नाम लिख लेना, उतार लेना, नहीं पूरा उतार लो, ठीक है, ध्यान रखना। जितनी लाइनें आगे लिख चुके हो, उसी हिसाब से आगे ही यूज टू टॉक के बाद लिखना, ठीक है, यहाँ से। तो ये आपका सेक्शन बी का आंसर नंबर 2, डायरी एंट्री जो लिखनी थी वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें हमें पंक्चुएट करना है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ पर फुल स्टॉप, कहाँ पर कॉमा, ये आप पढ़ रखे हो, वर्कशीट भी पढ़ रखे हो, वर्कशीट 11 में ये सब था। तो नीचे आंसर सारे लिखे हुए हैं, नीचे आप आंसर नंबर 3 ऐसे उतार लेना, आंसर 1, 2, 3, 4, 5 सब क्लियर लिखे हुए हैं, आप ऐसे उतार कर जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, आप वैसे लिख लेना, ठीक है, आपका आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर फोर में भी हमको ये देखना है कि पहले भी पिछली वर्कशीट में पढ़ रखे हो, आर्टिकल हमको देखना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें आर्टिकल फिल करना है हमको, ए एन द, ठीक है, तो ए बी सी डी ई 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो नीचे आंसर नंबर 4 में लिखे हुए ए बी सी डी ई, तो ए में फिल करना है ए, बी में द आएगा, सी में भी द आएगा, डी में भी द आएगा, और ई में एन। और इसी के साथ आपका असेसमेंट 2 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक असेसमेंट के आंसर की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।